दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीरी सिरप के बारे में कि नीरी सिरप के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, नीरी सिरप पीने का सही समय क्या होता है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों नीरी सिरप AIMIL कंपनी द्वारा बनाई गई एक आयुर्वेदिक दवाई होती है जो सिरप और टेबलेट दोनों के रूप में मिलती है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट सिरप होती है। ज्यादातर नीरी सिरप का इस्तेमाल गुर्दे की पथरी को खत्म करने, किडनी के इन्फेक्शन को सही करने और यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर बार बार आना, इन सभी बीमारियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। नीरी सिरप पीने से गुर्दे की पथरी चूरा बनकर पेशाब के जरिए बाहर निकल जाती है, जिससे मरीज को पता भी नहीं चलता और मरीज को बहुत राहत मिलती है। इसके साथ साथ नीरी सिरप एसिडिटी के कारण होने वाली जलन में भी काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ नीरी सिरप हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। दोस्तों नीरी सिरप के इंग्रेडिएंट्स यानी इसके मुख्य घटकों की बात करें तो इसमें गोखरू, दारू हल्दी, सहदेवी, पुनर्वा और वरुण मकोई जैसी और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं। दोस्तों नीरी सिरप के प्राइस की बात करें तो इसके 200 ml का पैक आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से सिर्फ 259 रुपए में मिल जाता है। इसकी डोज यानी खुराक की बात करें तो ये इंसान की एज के हिसाब से दी जाती है। 5 साल से 16 साल तक के बच्चों को 5 ml नीरी सिरप को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना चाहिए। 16 साल से ऊपर के व्यक्ति को 10 ml नीरी सिरप को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर 1 नीरी टेबलेट के साथ सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना चाहिए। 5 साल से नीचे के बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल लगातार 3 महीने तक करना चाहिए क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक दवाई है और आयुर्वेदिक दवाई धीरे धीरे अपना असर दिखाती है और बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद करती है। दोस्तों इसके नुकसान की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर गर्भवती महिला इसका इस्तेमाल करना चाहती हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसी महिलाएं जो कि हाल ही में मां बनी हैं और अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उन्हें नीरी सिरप का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। नीरी सिरप पीते वक्त किसी प्रकार की एलर्जी या कोई और समस्या होने पर नीरी सिरप का सेवन ना करें। दोस्तों अगर आप पहले से ही किसी और बीमारी का शिकार हैं, जैसे अस्थमा, शुगर, दिल का दौरा पड़ना, कैंसर या लीवर का घटना और बढ़ना, तो नीरी सिरप को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों इसके परहेज में आपको धूम्रपान और नशीले पदार्थ से बचना चाहिए। तली हुई चीजें जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसे, पकौड़ी और गर्म तासीर की चीजें जैसे चाय, कॉफी, अंडा, मांस, मछली, बैंगन इत्यादि, इन सभी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और अगर आपको कुछ मालूम करना हो तो हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेहत का खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल सेहत का खजाना द्वारा वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी केवल ज्ञान के उद्देश्य से दी गई है और इसे चिकित्सा या डॉक्टर की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम जो वीडियो बनाते हैं वह हमारे व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित है और यह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम दावा नहीं करते हैं कि इस चैनल द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य है, इसलिए किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हम किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।